अखिलेश यादव क्या पहुंची है या फिर उनके किसी, अब तो ये समझिए कि ये समय जो है वो पुराना इमरजेंसी है, पुरानी इमरजेंसी जो थी वो फिर से आ गई है। तो उस समय कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी, अब भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी लगा दी है। जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, पार्टी नहीं बोलूंगा, जो अमित शाह के खिलाफ और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ भी बयान देगा उसके घर ईडी जाएगी, सीबीआई जाएगी, लोकल नेता है तो पुलिस वाले परेशान करेंगे, गुंडे मवाली परेशान करेंगे। जो अभी जो पुराने गुंडे मवाली थे वो अब भाजपा में चले गए हैं, उनका जो है जो पुराने गुंडे मवाली थे वो अब भाजपा में चले गए हैं, तो उनका नवीनीकरण गया है, तो अब ये लोग परेशान करेंगे, ऐसे होने वाला, ये भी इमरजेंसी काल है। जब आप समझिए कि विपक्ष के सारे नेताओं को खरीद लिया जाए, जब बोलने वालों के ऊपर फुल स्टॉप लगाया जाए, उनका मुंह बंद किया जाने लगे, तो ये इमरजेंसी है। लेकिन ये खरीद फरोख्त ईडी सीबीआई ये सब अब जनता देख रही है। आप समझिए कांग्रेस का पतन भी जो है वो तुरंत थोड़ी ना हुआ है, उसके वोटों में घटाव धीरे धीरे इमरजेंसी के बाद चालू हो गया था। तो यही इमरजेंसी अब भाजपा को गर्त में ले जाएगी, तो गर्त में ले जाने वाला कोई और नहीं रहेगा, गर्त में ले जाने वाले अमित शाह और उनके जितने पिलांटू लोग हैं ये रहेंगे। अरे आप ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? हम तो चुनाव लड़ने क्या जा रहे हैं, हम तो अभी चुनाव हो जाए जीत जाएंगे, आज चुनाव हो जाए मैं घोसी से जीत जाऊंगा। अब मैं हल्के में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आज चुनाव, और हमको पार्टी कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आज चुनाव हो जाए तो मैं घोसी से चुनाव जीत जाऊंगा। तो बगावत करके लड़ेंगे चुनाव तो कैसे जीतेंगे? बगावत बगारे, जनता चुनाव जिताती है कि पार्टी चुनाव जिताएगी? हमको जनता ना वोट देगी कि अमित शाह जिसे वोट देवे, जनता दे ही वोट। तो जनता एक एक माई बहन जितना आदमी हो कुल हमारी संगे हुए, और रोज जाई ना सबके घरे मिली ना, हाँ तो सबके घरे मिली ना, सबके दुआ सलाम करी ना, आज इतना करते हैं 5 वर्ष से करते हैं, हमेशा खड़ा रही ना। तो भाई जब हम जनता के बीच में है, जनता हमारी है, तो जनता वोट देने वाली है, जनता हमको कहे तू लड़ा ना, तू का चिंता करे, तू एक को वोटवा ना दिया जाए, ठीक है। अब कुछ जो शरारती तत्व आए वो साथ में रहे तो रहे उनके, लेकिन जनता जो है वो तो मेरे साथ। जैसे आप जैसे देखिए, जैसे ईडी हुई, सीबीआई हुई, तमाम जैसे विपक्षियों को परेशान कर रही है, लोगों का कहना है, तो आप भी चुनाव लड़ने के मूड में, वो भी बीजेपी से, मतलब अलग आप निर्दल या जैसे भी लड़ेंगे, तो डर नहीं लग रहा है इसमें? एक कहावत है, नंगा ना आएगा क्या नहीं छोड़ेगा क्या, तो यहाँ तो पैसा रुपया और किसी प्रकार की फर्जीवाड़ी चीज ही नहीं है, तो क्या ले लीजिएगा, गाड़िया ले ले जा, पैदल चले लगा भाई, भैया गाड़ी ले ला, आई एगो माई का अमरी लग गया, यही से हम अपन प्रचार करी ना, हाँ तो ये ले ले जा, जुए ले ला, हाँ का ले ले बाउर हमार का ले ले बा, तो हम तो भाई जनता के बीच में पैदल चली ना, जकरी लग गए यही जो 4 दिन का लड़का लोग 10-10 को फॉर्चूनर लेके चला था, तो ओकरी है काहे नहीं DCBI पहुंच जाता, वो पहुंचे के चाहिए, सुननी है कि कहीं CEO वो बंद कर दे ले रहा गाड़ी वोड़ी उठा के, जाना नेता हुआ बड़ा हुटर बजा पो 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 घूमे, तो उनका तो वो पार्टी का कुल सत्यानाश कर देना, उनके CEO उठाक बंद कर देना। के करी तरफ इशारा बाबू? अरे इशारा सबको पता है कि किसकी गाड़ी को CEO ने अरेस्ट किया था, आपके भारतीय जनता पार्टी का ही वो नेता है, आप पता करिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उसे बंद करवाया था, ये भी बता दे रहा हूँ, ये जान जाइए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उसे बंद कराया, और भारतीय जनता पार्टी का ही वो नेता है। सोच लीजिए इन लोगों में कितना पटान है कि वो नेता भी भारतीय जनता पार्टी का, और उसको वो करने वाला भी। अब देखिए चुनाव कैसे जीते जाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं अनपढ़ टाइप का आदमी नहीं हूँ कि इन लोगों की तरह इशारा, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये एक एक बूथ का है कि कौन कहाँ से कैसे जीता था, ठीक है, और ये सारे डेटा ना इधर फिट है, हाँ, और ये कैसे मिलते हैं पता है, जब क्षेत्र में जाइएगा, एक एक बूथ पर जब जाइएगा ना तब मिलते हैं, जब 730 गांव में मैं 500 गांव जब घूम लेता हूँ तब मिला है मुझे ये। तो इस प्रकार की चीजें सोच लेना कि हम ही अकेले बाबा हैं जीत जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। मैं अपने क्षेत्र का जानता हूँ कि मैं घोसी लोकसभा परिवार, मेरे को कहा है कि आप जीत रहे हैं, आप चुनाव लड़िए, और मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा हूँ, चुनाव लड़ रही है जनता,
जनता का कुर्सी होगा, कुर्सी तो मैं कुर्सी के लिए मैं तो अपने घर रहूंगा, उस कुर्सी पर जितनी 25 लाख जनसंख्या है हमारे लोकसभा की, उसका अधिकार वो बैठेगी। हर गांव का 730 गांव का प्रधान उस पर बैठेगा, उसकी मैं सुनूंगा, वो प्रधानों की, उसके बाद जितने जन नायक है उनकी, जनता की जो वो समस्याएं ले आएंगी उसको करना है। ये तो छोटी सी बात है कि आप 730 गांव में भी अगर मान लीजिए कि रोज दो गांव जाया जाए तो 3-3.5 साल में पूरे लोकसभा की समस्या सब पूरे घर घर जाके समझ तैयार।